Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social Science, Social and Political Life, Volume 2, Textbook for Class 7th and Chapter Number 7, okay? And Chapter Number 7 is Understanding Advertising, okay? Understanding advertising, and this is video 1. All right students, this is video 1 of chapter number 7. So let's start students. All right, understanding advertising. Understanding means samajhna, advertising means vigyapan. Theek hai, to hum is chapter mein vigyapan ke bare mein padhenge, vigyapan ko samjhenge, kyon vigyapan avashyak hota hai, vigyapan se hamare dainik jeevan mein kya prabhav padta hai, okay, aur vigyapan kyon diye jate hain, iska kya mahatva hai. Theek hai, so let's read. Today we are surrounded by advertisements or ads as we call them. We watch these on television, listen to them on radio, see them on the streets and in newspapers and magazines. Okay, even taxis and rickshaws carry advertisements on them. When we go to cinemas, we see advertisements before the film begins and on the internet. They often pop up when we go into different websites. What do advertisements do? How do they attract our attention? Read more to find out. Okay, so student, today we are surrounded by advertisement or ads as we call them. ठीक है, आज हम चारों ओर से एडवर्टाइजमेंट से घिरे हुए हैं. ठीक है, आज हम चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं? सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स. एडवर्टाइजमेंट से यानी विज्ञापन से घिरे हुए हैं. हम इसको क्या कहते हैं? एड भी कहते हैं. ठीक है, और एड्स वी एज वी कॉल देम, जैसे कि हम कहते हैं एड आ गया. ओके, वी वॉच दीज ऑन टेलीविजन, लिसन टू दैम ऑन रेडियो, सी दैम ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. हम इन विज्ञापनों को टीवी में देखते हैं, रेडियो में लिसन सुनते हैं, सी देम ऑन द स्ट्रीट्स सड़कों के किनारे हम देखते हैं, सड़कों में देखते हैं, एंड इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, और इन विज्ञापनों को हम समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी देखते हैं. ओके, इवन टैक्सीज एंड रिक्शास कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन देम, बल्कि यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई देते हैं. ओके, व्हेन वी गो टू सिनेमास, जब हम सिनेमा जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, वी सी एडवर्टाइजमेंट बिफोर द फिल्म बिगिंस, तो पिक्चर शुरू होने से पहले हम बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम विज्ञापन देखते हैं. एंड ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट में दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इन टू डिफरेंट वेबसाइट, और इंटरनेट पर भी हम विभिन्न जब वेबसाइट देख रहे होते हैं तो ये बीच बीच में आते रहते हैं, पॉप अप करते हैं. ठीक है, व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट्स डू, हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन, तो व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट्स डू, विज्ञापन आखिर करते क्या हैं. ओके, विज्ञापन क्या करते हैं, हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन, और ये हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं, कैसे हमारा हम ये ध्यान खींचते हैं. रीड मोर टू फाइंड आउट, अधिक जानने के लिए आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, विज्ञापन के बारे में अधिक जानने के लिए. सो हेयर स्टूडेंट्स, वन पिक्चर इज हेयर, सो लेट्स सी एंड रीड व्हाट इज इन दिस पिक्चर. When guests come home, give them the best. Top taste dal. So definitely students, you know what is this. Okay, this is the advertisement of dal. Okay, तो चलिए और पढ़ते हैं. Advertisements draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. In this chapter, we will focus on the two advertisements that you see above to understand what advertising does and how it works. Okay, so advertisement draw our attention. Attention means ध्यान. Okay, draw means खींचना, our attention हमारा ध्यान, to various products, विभिन्न उत्पादों पर, विभिन्न सामानों पर, and describe them positively so that we become interested in buying them. Okay, तो विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका हम सकारात्मक मतलब अच्छा वर्णन करते हैं, पॉजिटिव उसकी
चीज़ के बारे में हमें सुनाई देता है, विज्ञापन हमें पॉजिटिव चीज़ें उसकी बताते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में वी विल फोकस ऑन द टू एडवर्टाइजमेंट्स दैट यू सी अबव टू अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजिंग डज एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में वी विल फोकस ऑन द टू एडवर्टाइजमेंट, इस पार्ट में हम दो विज्ञापनों पर ध्यान देंगे, दैट यू सी जो आपने देखे हैं, अबव टू अंडरस्टैंड दैट एडवर्टाइजिंग डज एंड हाउ इट वर्क्स। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम ऊपर दिए गए दो विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और समझेंगे कि विज्ञापन से क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट तो हमने देखा स्टूडेंट्स, और हम समझ गए कि ये एडवर्टाइजमेंट किसका है, दाल का है। तो यहाँ पर ये लेडीज क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि जब मेहमान आते हैं तो उनको सबसे अच्छा खिलाओ, ठीक है, टॉप टेस्ट दाल, मीन्स कि सबसे अच्छी दाल। ओके, अब दूसरा दूसरा एडवर्टाइजमेंट में क्या है देखिए, सो योर चाइल्ड योर केयर। ओके, तो अपने बच्चे को आप अपनी केयर दिखाओ, अपनी देखरेख दिखाओ, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, ठीक है, और आप अपने बच्चे को अपना प्यार, अपना तरोताजा प्यार उस पर व्यक्त करो। तो ये किसका ऐड है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर साबुन बना हुआ है, तो ये सोप का ऐड है, ठीक है। तो हमने दोनों ऐड यहाँ पर देखे, लुक एट दिस टू एडवर्टाइजमेंट अबव एंड फिल इन द टेबल। तो अब स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों एडवर्टाइजमेंट देखना है, दोनों विज्ञापन देखना है, और उसके बाद आपको ये टेबल भरनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप इस टेबल को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन योर व्यूज, योर ओपिनियन। ओके, योर सेल्फ यू विल फिल दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स द टेबल, व्हाट आर द एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, टॉप टेस्ट दाल एंड केयर सॉप। ओके, तो ये तो एडवर्टाइज बताना है टॉप टेस्ट दाल का, और ये बताना है केयर सॉप का। ओके, तो पहले आपको बताना है व्हाट आर द एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पल्सेस यानी दाल बेची जा रही है, और यहाँ पे बेबी सॉप बेचा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू दे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, ये उत्पादन का वर्णन कैसे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनका वर्णन क्या है, When guests come home, give them the best. और यहाँ पर क्या है, So your child, your care, या express your love afresh करके आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। Now next है What is the text trying to say, ठीक है। तो जो ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, What is the text trying to say, ठीक है, चित्र में या वर्णन में क्या बताने की कोशिश हो रही है। गेस्ट शुड बी सर्व्ड दिस, तो क्या बताना जा रहे हैं कि मेहमानों को, पहले वाले एडवर्टाइजमेंट में कि मेहमानों को, अतिथियों को या परोसा जाना चाहिए, और तो दूसरे में क्या बताना चाहेगा कि बच्चे को इस साबुन से नहलाना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू द पिक्चर्स कन्वे, और चित्र क्या संप्रेषित कर रहे हैं, चित्र क्या बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप देख लेंगे यहाँ पर चित्र में ये खाना खिला रही हैं। ओके, मदर या अ लेडी सर्विंग फूड। ओके, और यहाँ पर अ मदर इज केयरिंग और लविंग हर चाइल्ड। ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, वुड यू वॉन्ट टू बाई दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट, तो विज्ञापन देखने के बाद क्या आप यह उत्पाद खरीदना चाहेंगे, विज्ञापन देखने के बाद क्या आप यह उत्पाद खरीदना चाहेंगे, कौन सा, पहला टॉप टेस्ट दाल का यानी दाल खरीदना चाहेंगे, दूसरा केयर सोप यानी साबुन के आप खरीदना चाहेंगे। ओके, सो इस टेबल को आप खुद से भरिएगा स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्रांड मीन्स ब्रांड के मूल्यों का निर्माण करना, ठीक है, बिल्ड ब्रांड्स, ब्रांड को निर्माण करना, उसके मूल्यों का निर्माण करना, एंड ब्रांड वैल्यूज, ठीक है, और जो ब्रांड के नाम हैं, ठीक है, जो ब्रांड की वैल्यू है, कीमत है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड, एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स एट अ वेरी बेसिक लेवल। ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विथ अ पर्टिकुलर नेम और साइन, दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ओके, सो हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड,
क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? ओके, एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स. ठीक है, विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही होते हैं एट अ वेरी बेसिक लेवल. ठीक है, अगर हम बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर, बेसिक लेवल पर अगर हम ब्रांडिंग को देखें कि ब्रांडिंग क्या है, मींस स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विथ अ पर्टिकुलर नेम और साइन, तो ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर, किसी सामान पर, किसी वस्तु पर विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना, स्टैम्पिंग करना. ठीक, दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट्स. ठीक है, और एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको मालूम होगा कि कैसे ब्रांड किया जाता है और कैसे इस ब्रांड का क्या वैल्यू होता है. ओके स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही होता है. बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर ब्रांडिंग का अर्थ होता है किसी उत्पाद पर विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना. ठीक है, और एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखाने के लिए यह ब्रांडिंग की जाती है, इसका नाम दिया जाता है. ओके, सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट्स अबव. Why do you think the manufacturers of the soap and the dal gave their products a specific name? ओके, तो सो लेट अस, चलिए हम देखते हैं, लुक अगेन, एक बार फिर से एट एडवर्टाइजमेंट अबाउट, जो ऊपर विज्ञापन दिए गए हैं इसको एक बार हम फिर से देखेंगे. ठीक है, फिर से इन विज्ञापनों को हम एक बार देखेंगे. Why do you think the manufacturers of the soap? Why do you think the manufacturers of the soap and the dal gave their products a specific name? ठीक है, तो आपके विचार से दाल और साबुन के निर्माताओं ने अपने उत्पादों को विशिष्ट नाम क्यों दिए? Why do you think the manufacturers of the soap and the dal gave their products a specific name? तो आप सोचिए स्टूडेंट जरा कि दाल के और साबुन के निर्माताओं ने अपने उत्पादों को ये विशेष नाम क्यों दिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, दाल्स और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट. वी यूजुअली नो दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एक्सेट्रा. दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम्स. वेन अ कंपनी टेक्स मसूर की दाल एंड पुट्स इट इन टू अ पैकेट, इट विल नीड टू गिव द दाल अ स्पेशल नेम. इट नीड्स टू डू दिस सो दैट वी डोंट कन्फ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज. दे डिसाइड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल. दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. ओके, सो दाल और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट. तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि जो दाल होती हैं और दाल यानी पल्सेस जो होती है, वे सामान्यतया मार्केट में खुली मिलती हैं. ठीक है, तो वे खुले रूप में बिकती हैं, दालें और दलहन. वी यूजुअली नो, हम जानते हैं दाल बाई देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एक्सेट्रा. ठीक है, तो हम दालों को उनके विभिन्न नामों, विभिन्न प्रकारों और नामों से जानते हैं, जैसे कि मसूर की दाल और उड़द की दाल आदि. ठीक है, दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम. तो ये दाल का कोई ब्रांड नेम नहीं है, हमें मालूम है ये दाल के प्रकार हैं. व्हेन अ कंपनी टेक्स मसूर की दाल एंड पुट्स इट इन टू अ पैकेट, इट विल नीड टू गिव द दाल इज अ स्पेशल नेम. ठीक है, तो जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद कर देती है, तो उसी दाल को एक विशिष्ट नाम देने की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है, इट विल नीड टू गिव द दाल अ स्पेशल नेम. तो इस प्रकार उस दाल के पैकेट में या उस दाल को एक विशेष नाम देना पड़ता है. इट नीड्स टू डू दिस सो दैट वी कैन नॉट, वी डोंट कन्फ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज. ठीक है, तो ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि हम विशेष पैकेट वाली दाल और बाजार में बिकने वाली खुली दाल के बीच कंफ्यूज ना हो जाएं, भ्रमित ना हो जाएं. ओके, दे डिसाइड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल.
ठीक है, और फिर वे डिसाइड करते हैं इसको टॉप टेस्ट दाल इसका नाम देने के लिए। दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो इसका इस नाम को ही क्या कहा जाता है, ब्रांडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यही इस तरह उत्पादों को नाम देना ब्रांडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रांडिंग। ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोप देयर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट टूडे। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप बट रादर रेफर्स टू दैम यूजिंग द डिफरेंट नेम्स ऑफ कंपनीज दैट मेक दैम। ओके, गिवन द मैनी सोप्स इन द मार्केट द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम। बाई डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। ओके, तो सिमिलरली इस प्रकार से इन द केस ऑफ द सोप। ओके, तो इसी प्रकार से साबुत मीन्स की कहानी साबुन की भी है। ठीक है, हम सोप की कहानी भी इस प्रकार से पढ़ते हैं दूसरे एडवर्टाइजमेंट में जो दिया गया था। देयर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट टूडे। आजकल मार्केट में, बाजार में विभिन्न प्रकार के साबुन हैं। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज वी नो लॉन्गर जस्ट ए सोप बट रादर रेफर्स टू दैम यूजिंग द डिफरेंट नेम्स ऑफ कंपनीज दैट मेक दैम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बड़े कस्बों और शहरों में अब हम सिर्फ साबुन नहीं कहते वरन उनको बनाने वाली विभिन्न कंपनियों का नाम लेते हैं। ठीक है, गिवन द मैनी सोप्स इन द मार्केट, बाजार में विभिन्न प्रकार के साबुन हैं। द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम। और जो कंपनी उन साबुनों को जो बनाती है, वे बाजार में अनेकों साबुन उपलब्ध होते हैं, तो वे अपने साबुन को अलग और विशिष्ट नाम देती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने साबुनों को एक अलग सा और विशेष नाम देती है। और ऐसा वे क्यों करती है, बाई डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। तो इस प्रकार ऐसा करके वे एक और ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते हैं, इसीलिए वे उसको क्या करती है, ब्रांड करती है, अपने साबुन को वो अपना नाम देती है। ओके, द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट। ओके, गिविंग द प्रोडक्ट। Here students, first one, this one paragraph, just naming a product may not make buy, not make us buy it. The manufacturers that made the soap and the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the other available in the market. Okay, other available in the market. This is where, all right, we... And the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the others. Okay, better than the others available in the market. This is where advertising comes in. It plays a crucial role in trying to convince us to buy the product that is advertised. Okay, just naming the product. Okay, तो ठीक, केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। द मैन्युफैक्चर दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट देयर सोप एंड दाल आर बेटर देन द अदर्स अवेलेबल इन द मार्केट। साबुन और दाल के निर्माताओं को, ठीक है, जो इसके निर्माता होते हैं, निर्माताओं को हमें आश्वस्त करना होता है, हमें समझाना होता है कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध दूसरे साबुनों और दालों से क्या है, बेहतर है। ठीक है, और यही इसी प्रकार से दिस इज वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन, और इसी प्रकार यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइज। ठीक है, तो यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है, हमें विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञान की भूमिका निर्णायक होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से क्या होता है, केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें समझाना होता है कि जो उनकी दाल है और जो उनका साबुन है, वे बाजार में अन्य साबुन और दालों से बेहतर है। तो इसके लिए उन्हें विज्ञापन की आवश्यकता होती है, और यही विज्ञापन उन सामान के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके,
द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट वैन टॉप टेस्ट दाल बिगिन्स टू बी सोल्ड, अनदर कंपनी डिसाइड्स टू ऑल्सो सेल दाल्स इन अ पैकेट एंड कॉल्स दिस बेस्ट टेस्ट दाल. सो नाउ देयर आर टू ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट. बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाई देयर दाल्स. ओके, सो द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम. ओके, तो किसी ब्रांड को डेवलप करने का काम, विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता. ओके, उदाहरण के लिए, जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल बिगिंस टू बी सोल्ड अनदर कंपनी डिसाइड टू ऑल्सो सेल दाल्स इन अ पैकेट एंड कॉल्स दिस बेस्ट टेस्ट दाल. ओके, सो नाउ देयर आर टू ब्रांडेड दाल इन द मार्केट. बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाई देयर दाल्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, किसी ब्रांड को और आगे बढ़ाने के लिए या विकसित करने का जो काम होता है, वे उस उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता. जैसे कि उदाहरण के लिए, टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू हो गई मार्केट में, ठीक है, क्योंकि उसने अपना एक ब्रांड बना लिया टॉप टेस्ट दाल का. तो अब एक दूसरी कंपनी बाजार में बंद पैकेट के दालों को बेस्ट दाल के नाम से अगर वे बेचती है, बेस्ट टेस्ट दाल, ठीक है, तो इसके नाम से वे अगर बेचती है, तो इस प्रकार से अब बाजार में दो प्रकार के, ठीक है, अब बाजार में दो प्रकार के ब्रांड की दालें हो गई हैं. और दोनों कंपनियों की जबरदस्त इच्छा होती है, उनकी कीन डिजायर है कि लोग उनकी ही दाल खरीदें, तो उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं. ओके, द कंज्यूमर इज कंफ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल. द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीजन टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल. जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट. ओके, सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज फॉर देयर ब्रांड. ओके, तो द कंज्यूमर इज कन्फ्यूज्ड, तो जो कंज्यूमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता या जो ग्राहक होते हैं, वे कन्फ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल. क्योंकि वास्तव में टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल में कोई अंतर नहीं जानता. द मैन्युफैक्चर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीजन, तो जो निर्माता होते हैं, उनके द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए उसका कारण बताना होता है. जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट. सिर्फ केवल दाल के नाम से ही दाल नहीं बिकती. सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज फॉर देयर ब्रांड. तो इसलिए जो एडवर्टाइजर जो होते हैं, जो विज्ञापनदाता होते हैं, अपने ब्रांड की वस्तुओं की विशेषताओं का वे दावा करते हैं, क्लेम करते हैं. इन दिस वे, इस तरीके से दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट, इस तरीके से वे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों दालों को फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट, उसी प्रकार के दूसरे प्रोडक्ट के साथ वे अंतर बताते हैं. लुक बिलो एट हाउ द टू दाल्स ट्राई एंड डू दिस. ठीक है, तो इस प्रकार से भिन्न जो अगले अंश में हम देखेंगे कि कैसे विज्ञापनकर्ता अपनी दाल को दूसरे की दाल से बेटर बताते हैं और अंतर स्पष्ट करते हैं. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये जो अंश होता है, ये जो अंतर होता है, ये जो डिफ्रेंसिएशंस होते हैं, ये दो दालों में किस प्रकार के होते हैं. ओके, From the advertisements, you can now see that the two dals are saying different things. Okay, तो उपरोक्त विज्ञापन में आप देख सकते हैं कि दोनों दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं. Top taste दाल is appealing to our social tradition of treating guests extremely well. Best taste दाल is appealing to our concern for our children's health and that they eat things that are good for them. ठीक है, तो जो टॉप टेस्ट दाल है, वे अतिथि सत्कार की हमारी जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरा है, उसका सहारा ले रही है. तो बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाने की हमारी चिंता को बता रही है. वैल्यू सच एज ट्रीटिंग अवर गेस्ट वेल एंड मेकिंग श्योर अवर चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशियस फूड आर यूज बाई ब्रांड्स टू क्रिएट ब्रांड वैल्यूज. ठीक है, तो अतिथियों का सत्कार करना और बच्चों को पोषण युक्त आहार देना जैसे मूल्यों का उपयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया गया है. दीज ब्रांड वैल्यूज आर
conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeal to us. तो ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों और शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली कई प्रकार की इमेजेस, कई प्रकार के चित्र निर्मित किए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों दालों में टॉप टेस्ट दाल एंड गुड टेस्ट दाल में, ठीक है, अगर हम अंतर देखें तो अंतर क्या है, जो टॉप टेस्ट दाल का एडवर्टाइज था उसमें अतिथि सत्कार, गेस्ट की हॉस्पिटलिटी, वेलकम की हमारी सामाजिक परंपरा का वो सहारा ले रहे हैं, और बेस्ट टेस्ट दाल में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाने की हमारी चिंता को वो दिखा रहे हैं। तो अतिथियों का सत्कार करना और बच्चों को अच्छा पोषण युक्त आहार देना जैसे जो मूल्य हैं उनका उपयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए ये लोग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन में सुंदर सुंदर चित्र दिखाकर, अच्छे शब्दों के द्वारा, अच्छे स्लोगन के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छवियाँ जो होती हैं, जो चित्र होते हैं, उसको बनाकर हमें समझाते हैं कि हमें कौन सी दाल खरीदनी चाहिए, और अपने ब्रांड की दाल को खरीदने के लिए हमें क्या करते हैं, वे प्रेरित करते हैं। ओके, सो टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स, टुमारो आई विल बी बैक विद अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो टिल देन स्टूडेंट्स, रिवाइज योर वर्क, ओके, एंड रीड प्रॉपरली, लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स, ऑलराइट। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।